अगस्त 1939 को दिखाती हुई मूवी स्टार्ट होती है, जहां हमें एक जगह जिसका नाम टेक्सस होता है, वहां पर एक मेट फैक्ट्री को दिखाया गया है। वहां पर एक लेडी काम कर रही होती है जो कि प्रेग्नेंट थी। सडन उस लेडी को पेन होती है और एक बेबी की बर्थ होती है, लेकिन बच्चे को पैदा करते ही वो लेडी मर जाती है और उस बच्चे को भी किसी किस्म की स्किन डिसीज थी, यानी वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। एक लेडी को वही बच्चा मीट फैक्ट्री के बाहर डस्टबिन में मिलता है, क्योंकि मीट फैक्ट्री के मैनेजर ने उसे डस्टबिन में थ्रो कर दिया था। वो लेडी उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है, अपनी मर्जी से वो उस बच्चे का नाम रखती है और उसके साथ वो ऐसे ही ट्रीट करती है कि जैसे वो उसका अपना ही बच्चा हो। स्किन डिसीज होने की वजह से उस बच्चे की स्किन काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से सब उसे परेशान किया करते थे, उसका मजाक बनाते थे और इसी वजह से वो हमेशा ही अपने फेस को कवर रखता था। 30 साल बाद उसी टाउन यानी टेक्सस में कोई खतरनाक किस्म की फैलने वाली बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाती है और उस बीमारी से बचने के लिए लोग उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं, सिवाय लेदर फेस की फैमिली के। जिस मीट फैक्ट्री में लेदर फेस काम करता था उसे भी हेल्थ केयर ने बंद करवा दिया था, लेकिन फिर भी लेदर फेस वहां से नहीं जाता और अपना काम करता रहता है, लेकिन मैनेजर उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। और ये वही मैनेजर था जिसने पैदा होते ही लेदर फेस को डस्टबिन में भी फेंक दिया था। एक बार तो लेदर फेस वहां से चला जाता है, लेकिन वो दोबारा फिर से वापस आता है और इस बार वो मैनेजर फिर से उसकी इंसल्ट करता है, क्योंकि वो मैनेजर लेदर फेस की फैमिली से तंग था कि सब लोग उस टाउन को छोड़कर चले गए सिवाय उन लोगों के। लेदर फेस को गुस्सा आ जाता है और वो एक हथौड़े से उस मैनेजर पर अटैक कर देता है। मैनेजर जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ बता पाता, लेदर फेस कई बार हथौड़े से उस पर स्टैब करता है और वो मर जाता है। बाद में लेदर फेस वहीं पर पड़ी हुई एक चैनसा उठाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस ऑफिसर लेदर फेस के घर पर आता है। वो पुलिस ऑफिसर लेदर फेस को हैंड्स अप करने को बोलता है और तभी लेदर फेस का फैमिली मेंबर उस पुलिस ऑफिसर को उसी की गन से शूट करके मार डालता है और वो लेदर फेस का बाप था, जो उस पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद उसकी आइडेंटिटी खुद ले लेता है और अब वो बन जाता है पुलिस ऑफिसर हॉयट। उस रात वो उस पुलिस ऑफिसर को खाते हैं और यहाँ से वो फैमिली बन जाती है कैनिबल। फिर हम दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें एक भाई का नाम एरिक था और वो अपनी दो फीमेल फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। रास्ते में वो लोग लेदर फेस की मदर के गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर दो बाइकर्स बैठे होते हैं जो उन्हें अजीब तरीके से घूरकर देख रहे थे। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि एक फीमेल बाइकर उनका पीछा कर रही है। वो उन लोगों पर बंदूक तान कर उन्हें गाड़ी रोकने को बोलती है। ये देख कर एरिक गाड़ी और तेजी से चलाने लगता है और साथ साथ अपनी गन निकाल कर उसे शूट भी करने लगता है, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक गाय आ जाती है, जिससे गाड़ी टकराने की वजह से कंट्रोल से बाहर हो जाती है और क्रैश हो जाती है। वो लोग बच तो जाते हैं लेकिन काफी इंजर्ड हो जाते हैं। एरिक देखता है कि क्रिसी गाड़ी में नहीं है, क्योंकि वो बाहर गिर गई थी। एरिक क्रिसी को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आता है और वो बाइकर उस पर गन तान देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारती, हॉयट वहां पर पहुंच जाता है। हॉयट गाड़ी से बाहर निकल कर उसे शूट कर देता है। ये देख कर वो फ्रेंड्स घबरा जाते हैं। हॉयट उन सबको गाड़ी से बाहर निकालता है। एरिक झाड़ियों में क्रिसी को देख लेता है और वो उसे वहीं पर छुपे रहने को बोलता है। हॉयट उनसे उस बाइकर की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में आता है और उन तीनों फ्रेंड्स को अपनी गाड़ी में बैठा कर वहाँ से ले जाता है। हॉयट रेडियो के जरिए अपने भाई को बताता है कि मैंने 3 लोगों को पकड़ा हुआ है और तुम भी जल्दी से यहाँ आ जाओ। उन लोगों के चले जाने के बाद क्रिसी गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब वो एरिक की गन ढूंढने लगती है और तभी वहाँ पर हॉयट का भाई पहुँच जाता है और वो जल्दी से गाड़ी में ही छुप जाती है। हॉयट का भाई अपने साथ वहाँ पर लोडर ट्रक भी लाया होता है। क्रिसी को वो गन गाड़ी में नजर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस गन को उठाती, हॉयट का भाई उसे उठा लेता और वो ट्रक के जरिए गाड़ी को वहां से ले जाने लगता है। हॉयट उन तीनों फ्रेंड्स को लेकर अपने घर में आ जाता है। फिर हॉयट लेदर फेस को बुलाता है और लेदर फेस उस बाइकर की डेड बॉडी को उठाकर वहां से ले जाता है। उसे देखकर वो लोग काफी डर भी जाते हैं और काफी हैरान भी रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी भयानक किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। हॉयट उन दोनों भाइयों को लटका देता है और उनकी फीमेल फ्रेंड को अंदर ले जाता है। लेदर फेस उस बाइकर की डेड बॉडी को बेसमेंट में काट रहा होता है। इतनी देर में हॉयट का भाई भी वहां पर पहुंच जाता है गाड़ी के साथ, जिसमें क्रिसी थी। क्रिसी छुपकर सब कुछ देख रही थी जो वहां पर हो रहा था। हॉयट एरिक के फेस पर प्लास्टिक शीट लपेटता है, सांस बंद होने लगता है। हॉयट एरिक के भाई को अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी चांस देता है। वो कहता है कि तुम 10 पुशअप्स लगाओगे और अगर तुमने पुशअप्स लगा लिए तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एरिक का भाई पुशअप्स करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पुशअप्स करना काफी मुश्किल था क्योंकि हॉयट साथ साथ उसे मार भी रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके 10 पुशअप्स करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अपने वादे के मुताबिक उसे छोड़ने की बजाय वो उसे इतना मारता है कि बेहोश
बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ क्रिसी भागते हुए रोड पर आ जाती है। रोड पर उसे उस फीमेल बाइकर का पार्टनर मिल जाता है। क्रिसी उसे बताती है कि एक स्ट्रेंजर ने तुम्हारे पार्टनर को मार डाला है और वो क्रिसी के साथ चलने पर एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ एरिक खुद को किसी तरह फ्री कर लेता है। वो अपने भाई को कहीं पर छुपा देता है और अपनी फीमेल फ्रेंड को ढूंढने बेसमेंट में जाता है। अंदर दो फीमेल्स बैठी होती हैं जो लेदर फेस की फैमिली से थी और उन्होंने एरिक की फ्रेंड को टेबल के नीचे बांध रखा था। एरिक एक चाकू उठाता है और अपनी फीमेल फ्रेंड को आजाद कर लेता है। एरिक अपनी फीमेल फ्रेंड को चाबी देते हुए कहता है कि वो जल्दी से जाकर गाड़ी को स्टार्ट करे और इतनी देर में वो अपने भाई को बचाने जाता है। उनकी फ्रेंड ट्रक स्टार्ट तो कर लेती है लेकिन लेदर फेस एक मीट हुक से उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। एरिक अपने भाई को भगा देता है और वो खुद हॉइट का मुकाबला करता है। भागते भागते एरिक के भाई का पांव एक ट्रैप पर आ जाता है और वो उस ट्रैप में फंस जाता है। एरिक अपने भाई के चिल्लाने की आवाजें सुनता है और हॉइट एरिक को मार कर उसे बेहोश कर देता है और एक बार फिर से वो लोग उन तीनों दोस्तों को पकड़ लेते हैं। लेदर फेस एरिक को बेसमेंट में ले आता है। वो एरिक को एक टेबल पर लिटा कर उसके फेस को चेक करने लगता है और अब वो एरिक के साथ काफी बुरा करने वाला था। क्रिसी भी उस बाइकर को लेकर उस घर तक पहुंच जाती है। वो बाइकर क्रिसी को लिए बगैर ही जल्दी से घर में घुस जाता है। क्रिसी को घर के बाहर एरिक का भाई दिखाई देता है जो कि ट्रैप में फंसा हुआ था। वो क्रिसी को बताता है कि हमारे दोनों फ्रेंड्स घर के अंदर हैं। ये सुनकर क्रिसी भी घर के अंदर चली जाती है। बेसमेंट में लेदर फेस एरिक को काट रहा होता है बहुत बुरी तरीके से। क्रिसी एरिक के चिल्लाने की आवाजें सुन लेती है और वो आवाज को फॉलो करते करते बेसमेंट के दरवाजे तक आ जाती है। लेदर फेस अपनी चैनसा उठाकर ऊपर जाता है और मौके का फायदा उठाकर चुपके से क्रिसी बेसमेंट में आ जाती है। क्रिसी को वहां पर एरिक नजर तो आ जाता है लेकिन उसका काफी बुरा हाल कर दिया था लेदर फेस ने और क्रिसी एरिक को आजाद करने लगती है। गुस्से में आकर वो बाइकर हॉइट को शूट करने लगता है लेकिन तभी वहां पर लेदर फेस आकर उस पर अटैक कर देता है। वो उस बाइकर को चैनसो पर फेंक देता है और चैनसो को स्टार्ट कर देता है और चैनसो से उस आदमी के दो टुकड़े हो जाते हैं यानी उस बाइकर के। क्रिसी एरिक को आजाद करने की बहुत कोशिश कर रही होती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इतनी देर में लेदर फेस भी वहां पर पहुंच जाता है और क्रिसी जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। लेदर फेस एरिक को भी चैनसो से मार डालता है। बाद में वो एक नाइफ से उसकी स्किन उतारने लगता है। उसी स्किन पर स्टिचेस लगाकर वो एक मास्क बना लेता है और उस मास्क को वो खुद पहन लेता है और यहाँ पर वो बन जाता है लेदर फेस। वहां से जाते ही क्रिसी जल्दी से बाहर आकर वहां से भाग जाती है लेकिन तभी उसे अपनी फीमेल फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ पर वो अपनी जान बचाकर भाग भी सकती थी लेकिन वो अपनी फीमेल फ्रेंड को बचाने के लिए उसकी तरफ जाती है। हॉइट के भाई के पांव में काफी दर्द हो रही थी क्योंकि उस बाइकर ने उसके पांव पर शूट किया था। वो अपने भाई हॉइट को कहता है कि प्लीज मुझे इस दर्द से निजात दो और मेरी हेल्प करो। हॉइट लेदर फेस को कहता है कि इसकी सर्जरी कर दो। लेदर फेस चैनसो ऑन करता है और उसका एक पांव ही काट देता है। हॉइट लेदर फेस को कहता है कि मुझे इसकी बॉडी का ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, इसके दोनों पांव बराबर कर दो। ये सुनते ही लेदर फेस उसका दूसरा पांव भी काट डालता है। क्रिसी अपनी फीमेल फ्रेंड के पास पहुंच जाती है लेकिन हॉइट की नजर उस पर पड़ जाती है। हॉइट क्रिसी को एक चेयर पर लाकर बिठा देता है और अब वो फैमिली खाना खाने लगी थी और तभी लेदर फेस वहां पर आ जाता है और वो क्रिसी की फीमेल फ्रेंड का गला काट कर उसे मार डालता है और अब वो क्रिसी को उठाकर बेसमेंट में ले जाने लगता है। लेकिन क्रिसी एक स्क्रू ड्राइवर से उसकी कमर पर स्ट्रैप करती है जिसकी वजह से लेदर फेस उसे छोड़ देता है और क्रिसी जल्दी से खिड़की तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। लेदर फेस अपनी चैनसो लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। एरिक के भाई को होश आ गया था और वो एक हथौड़े से हॉइट पर अटैक कर देता है और वो हॉइट का सर जमीन पर मार मार कर उसके दांत तोड़ देता है। क्रिसी नाइफ लेकर एक ड्रम में छुप जाती है और जैसे ही लेदर फेस उसके पास आता है वो उस नाइफ से उसके फेस पर स्टैप करती है लेकिन लेदर फेस पर उसका कोई भी असर नहीं होता और वो क्रिसी को जमीन पर लेटा कर उसे चैनसो से काटने लगता है और तभी वहां पर एरिक का भाई आ जाता है और लेदर फेस उसकी कमर में चैनसो घुसा कर उसे मार डालता है। क्रिसी जल्दी से वहां से भाग जाती है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। रोड पर उसे पुलिस ऑफिसर और उसकी गाड़ी नजर आती है और वो थोड़ा रिलैक्स होती है। तभी पिछली सीट से लेदर फेस उठता है और चैनसो उसमें घुसा कर उसे जान से मार डालता है। गाड़ी उस पुलिस ऑफिसर और एक आदमी को क्रश कर देती है। लेदर फेस गाड़ी से बाहर निकल कर अपनी चैनसो के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और उनमें से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बचती है। जो सर्वाइवर लड़की होती है वो पुलिस को जाकर उस फैमिली की रियलिटी बता देती है और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उस घर में पहुंच जाता है। वो उस फैमिली को कहता है कि हैंड्स अप करके जल्दी से घर से बाहर आ जाओ। तभी उस एरिया का
समेत अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लोग बगैर कुछ सोचे समझे ही लेदर फेस की फैमिली पर अटैक कर देते हैं। लेदर फेस के घर को जला दिया जाता है और एक एक करके शूट करके उसकी फैमिली मेंबर्स को मार दिया जाता है। उस सीनियर पुलिस ऑफिसर की आंखों के सामने ये सब कुछ होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। एक पुलिस ऑफिसर को लेदर फेस की फैमिली की एक फीमेल जिंदा मिल जाती है जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है। वो लेडी उस पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगती है लेकिन बजाय उसकी हेल्प करने की वो पुलिस ऑफिसर को बच्ची को ले लेता है और उस लेडी को शूट कर देता है। उस पुलिस ऑफिसर का कोई बच्चा नहीं था तो इसीलिए वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है और वो उस बच्ची को अपनी वाइफ के पास ले जाता है। उस बच्ची की बॉडी पर एक मार्क था जो कि उसका बर्थ मार्क था। इसका मतलब ये था कि वो लेदर फेस की फैमिली की ब्लड लाइन थी। काफी साल गुजर जाते हैं और हमें एक लड़की दिखाई जाती है, हैदर। हैदर वही लड़की है जिसे उस पुलिस ऑफिसर ने अडॉप्ट किया था जो लेदर फेस की फैमिली से है। उन्होंने हैदर को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही पाला लेकिन एक दिन हैदर को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था कि हैदर की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है और अब जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी हैदर की है। हैदर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी तो कोई ग्रैंड मदर थी ही नहीं और इसीलिए वो इस बारे में अपने पेरेंट्स से पूछती है और तब उसे रियलिटी पता चलती है कि वो उनकी असली बेटी नहीं है बल्कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। हैदर अपसेट थी और उनकी ऐसी बातें सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है घर छोड़कर। हैदर अपने एक मेल फ्रेंड के पास आती है और उसे बताती है कि मैं एक टाउन टेक्सस में जा रही हूँ। वो बताती है कि मेरी ग्रैंड मदर वहाँ पर रहती है और उसका वो फ्रेंड उसके साथ वहाँ पर चलने पर एग्री हो जाता है और हैदर के साथ उसके दो और फ्रेंड्स भी जाने पर एग्री हो जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। जैसे ही हैदर का फ्रेंड गाड़ी चलाने लगता है एक लड़का आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। वो लड़का भी वहीं पर जा रहा होता है और इसीलिए वो उसे भी लिफ्ट देने के लिए अपने साथ बिठा लेते हैं। सुबह होते ही वो हैदर की ग्रैंड मदर के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। हैदर की ग्रैंड मदर की प्रॉपर्टी देखकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी होगी लेकिन वो काफी बड़ा पैलेस था। हैदर को वहां पर लॉयर भी मिलता है। वो हैदर को घर की चाबियां और एक लेटर देता है जो हैदर की ग्रैंड मदर ने मरने से पहले उसके लिए लिखा था। वो लॉयर हैदर को कहता है कि सबसे पहले तुम ये काम करो कि इस लेटर को पढ़ो क्योंकि ये जरूरी है। हैदर उससे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे तलाश लिया, जिस पर वो कहता है कि तुम गुम ही कब थी। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वो एक काफी बड़ा पैलेस था जिसके अंदर काफी एक्सपेंसिव चीजें पड़ी हुई थी। हैदर सब कुछ पाकर काफी खुश होती है क्योंकि वो सब कुछ अब उसका था। हैदर घर के पिछले हिस्से में जाती है और वहां पर उस फैमिली का कब्रिस्तान था जहां पर उसे अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपनी मदर की कब्र भी नजर आती है। उसके फ्रेंड्स वहां पर काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वो आज रात यहीं पर ही स्टे करेंगे। जो अननोन पर्सन उन्हें रास्ते में मिला था वो भी चाहता था उनके साथ वहीं पर ही रुकना, जिसके लिए हैदर एग्री हो जाती है। वो सब फ्रेंड जरूरी सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं लेकिन वो अननोन पर्सन उनके साथ नहीं जाता। वो कहता है कि इतनी देर में तुम बाजार जाओगे मैं घर की सफाई कर दूंगा। वो सब फ्रेंड्स चले जाते हैं और वो लड़का घर की सफाई नहीं बल्कि सारी एक्सपेंसिव चीजों को अपने बैग्स में भरने लगता है। सारा सामान लूटने के बाद वो एक बड़ी चाबी का ताला ढूंढने लगता है क्योंकि वो समझ रहा था कि उसमें सबसे बड़ा खजाना है और उसे वहां पर वो बड़ा सा दरवाजा भी मिल जाता है। वो उस डोर को खोलने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो काफी मजबूत दरवाजा था तो इसीलिए वो उसे नहीं खुलता और वो समझ जाता है कि जरूर इसके अंदर कोई ना कोई खजाना छुपा होगा और उस दरवाजे को खोलने के लिए वो टूल्स लेने जाता है और तभी पीछे से लेदर फेस आकर हथौड़े से उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। हैदर को एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उससे बातें करने लगता है और तभी वहां पर वही मेयर आ जाता है जिसने लेदर फेस की फैमिली को खत्म किया था और वो भी हैदर से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि हैदर उस घर की ऑनर है तो वो उसे डिमांड करता है कि वो घर तुम मुझे सेल कर दो लेकिन हैदर इस बात से इनकार करके वहां चली जाती है। घर आकर वो फ्रेंड्स देखते हैं कि वो लड़का चाबियों समेत उनके घर का सारा सामान चुरा कर भाग गया है लेकिन हैदर के फ्रेंड्स इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और वो हैदर को भी रिलैक्स करते हैं। रात को हैदर का फ्रेंड खाना बना रहा होता है और उसे भी वो सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है। वो उस लड़के को आवाज लगाने लगता है लेकिन तभी लेदर फेस भागते हुए सामने से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन लेदर फेस आकर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। उसके फ्रेंड्स उसकी आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि ऊपर लाउड म्यूजिक लगा हुआ था। हैदर अपनी ग्रैंड मदर के रूम में होती है और वो अपनी ग्रैंड मदर का सामान चेक कर रही होती है। तभी उसकी नजर मिरर पर पड़ती है और वो डर जाती है क्योंकि उसके पीछे उसकी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो जल्दी से वहां से भागती है और अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता।
मिलता। फिर वो किचन में जाती है जहाँ पर उसे लेदर फेस मिलता है जो कि पकाने के लिए किसी की उंगलियां काट रहा था। वो हैदर को भी पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। हैदर फेस की आंख जब खुलती है तो वो देखती है कि वो बेसमेंट में है। लेदर फेस उस अननोन पर्सन की डेड बॉडी को वहाँ पर काट रहा होता है और हैदर की मेल फ्रेंड को मेट हुक पर लटका देता है और चेंसो से उसे काट कर उसके दो टुकड़े कर देता है। इसी दौरान हैदर मौके का फायदा उठाकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। हैदर अपनी जान बचाने के लिए एक कॉफिन में छुप जाती है लेकिन लेदर फेस उसे देख लेता है। वो चेंसो कॉफिन के अंदर ही दे मारता है। आवाजें सुनकर हैदर के दोनों फ्रेंड्स भी बाहर आ जाते हैं और अब लेदर फेस उनके पीछे पड़ जाता है। हैदर का फ्रेंड अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है लेकिन लेदर फेस चेंसो से उसे काटने लगता है। तब हैदर की फीमेल फ्रेंड वहाँ पर रखी गई शॉटगन उठाती है और उसे शूट कर देती है। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया हो जैसे, और तभी वैन लेकर हैदर भी वहाँ पर पहुँच जाती है। हैदर के दोनों फ्रेंड जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं लेकिन लेदर फेस उन पर अटैक कर देता है। किसी तरह वो वैन को वहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है लेकिन उससे पहले लेदर फेस उस वैन का एक टायर फाड़ देता है जिससे होता ये है कि थोड़ी दूर जाते ही उनकी वैन क्रैश हो जाती है। उस क्रैश में हैदर का मेल फ्रेंड मर जाता है। हैदर और उसकी फीमेल फ्रेंड बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन इसी दौरान लेदर फेस उन पर अटैक कर देता है। वो उनकी वैन को पलट देता है और वैन का दरवाजा खोलकर हैदर की फ्रेंड को काटने लगता है चेंसो की मदद से। अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए हैदर जल्दी से वैन से बाहर निकलती है और लेदर फेस को अपने पीछे लगा लेती है। भागते भागते हैदर एक शो तक पहुंच जाती है और लेदर फेस भी उसके पीछे पीछे वहां पर आ जाता है। लेदर फेस को देखकर सब लोग पैनिक कर जाते हैं। लेदर फेस से बचने के लिए हैदर एक व्हील पर लटक जाती है लेकिन लेदर फेस तो नीचे खड़े होकर उसका वेट कर रहा होता है। हैदर नीचे आने लगती है और लेदर फेस भी चेंसो को ऑन करके बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ था। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और लेदर फेस अपने चेंसो उसकी तरफ फेंक कर वहां से भाग जाता है। वो पुलिस ऑफिसर हैदर को लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाता है और इतनी ही देर में वो मेयर भी वहां पर आ जाता है और दोनों पुलिस ऑफिसर्स को वहां से जाना पड़ता है। पीछे से हैदर अकेली होती है और वो उन फाइल्स को देखने लगती है और उसे उस टाउन अपनी फैमिली की सारी रियलिटी पता चल जाती है कि कैसे उसकी फैमिली को मारा गया। सब कुछ उसके सामने आ चुका था। दूसरी तरफ वो सीनियर पुलिस ऑफिसर मेयर को बता रहा होता है कि हैदर ने लेदर फेस को देख लिया है लेकिन मेयर इस बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि हमने तो सारी फैमिली को खत्म कर दिया था। और वो मेयर एक पुलिस ऑफिसर जो लेदर फेस के घर के पास था उसे अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है कि वो घर के अंदर जाए और साथ साथ वो मेयर वीडियो कॉल पर सब कुछ लाइव देख पा रहा था। खून के निशानों को फॉलो करते करते वो पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में आ जाता है। वहां पर उसे बहुत सारे डेड बॉडीज मिलते हैं जिन्हें बहुत बुरे तरीके से काट रखा था। डेड बॉडीज की ऐसी हालत देखकर उस पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब होने लगती है और वो आगे बढ़ने की बजाय वहां से जाना चाहता था। वो जल्दी से कॉल कट करके वहां से भागने लगता है लेकिन रास्ते में ही लेदर फेस उसे पकड़ कर उसे मार डालता है। गुस्से में आकर वो मेयर हैदर के पास आता है और वहां पर वो देखता है कि हैदर भाग चुकी है। वो मेयर डिसाइड करता है कि अब लेदर फेस की फैमिली की जो बची हुई मेंबर यानी हैदर को भी मार डाला जाए। हैदर अपनी फैमिली लॉयर को कॉल करती है और वो उसे मिलने के लिए एक बार में बुलाता है। हैदर उस लॉयर से मिलती है और वो उसे पूछता है कि क्या तुमने वो लेटर पढ़ लिया। वो कहता है कि वो लेटर पढ़ना बहुत जरूरी था लेकिन हैदर ने तो वो लेटर पढ़ा ही नहीं था। वो लॉयर हैदर को बताता है कि जिसने तुम्हारे फ्रेंड्स को मारा है वो लेदर फेस है, तुम्हारा कजन है। लेकिन लेदर फेस ये बात नहीं जानता कि हैदर उसकी ही ब्लड लाइन है। वो लॉयर हैदर को वहां से ले जाने लगता है लेकिन इतनी ही देर में वो मेयर वहां पर पहुंच जाता है। वो लॉयर हैदर को एक नाइफ देता है और उसे वहां से भगा देता है। हैदर भागकर बाहर आ जाती है लेकिन मेयर का एक साथी कार से उसे टक्कर मार देता है और जैसे ही वो हैदर के पास आता है हैदर उस पर चाकू से अटैक कर देती है और वहां से भाग जाती है। हैदर को फिर एक पुलिस ऑफिसर मिलता है और वो उसे बताती है कि वो मेयर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो वो उसे जल्दी से गाड़ी में बिठा लेता है। वो लड़का अपने फादर मेयर को बताता है कि मैंने हैदर को पकड़ लिया है। तब मेयर कहता है कि उसे जल्दी से मीट फैक्ट्री में ले आओ और वहां पर वो हैदर को जान से मार डालेंगे। मेयर सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी बता देता है कि मैं लेदर फेस की आखिरी ब्लड लाइन यानी हैदर को भी मारने वाला हूं और ये सब कुछ लेदर फेस सुन लेता है और फिर लेदर फेस अपने चेंसो लेकर वहां से चल पड़ता है। मेयर का बेटा हैदर को अंदर ले जाकर बांध देता है और इतनी ही देर में लेदर फेस भी वहां पर आ जाता है और वो हैदर को मारने ही लगता है कि वो हैदर की बॉडी पर उसका बर्थ मार्क देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि हैदर मेरी कजन है यानी लेदर फेस की फैमिली की वो आखिरी ब्लड लाइन है और इसीलिए वो जल्दी से हैदर को आजाद कर देता है। इतनी देर में मेयर वहां पर पहुंच जाता है और उसे मारने लगता है। हैदर वहां से निकल कर बाहर आ जाती। अंदर वो दोनों बाप बेटा लेदर फेस को एक ग्राइंडर में डालकर उसे मारने वाले थे और हैदर वहां से भागने की बजाय वो जल्दी से अंदर जाती है लेदर फेस की हेल्प करने के लिए। वो पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर के बेटे को मार डालती है और लेदर फेस को उसकी चैन से पकड़ा देती है। लेदर फेस मेयर को मारने ही वाला होता है कि तभी सीनियर पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आ जाता है। मेयर सीनियर पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगता है लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता और अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देखना चाहता था। लेदर फेस मेयर को ग्राइंडर में धकेल कर उसे मार डालता है और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर भी वहां से चला जाता है। लेदर फेस और हैदर दोनों मिलकर अपने घर चले जाते हैं और अब हैदर अपनी ग्रैंड मदर का वो लेटर पढ़ती है जिसमें उसने लिखा था कि ये सब प्रॉपर्टी तुम्हारी है लेकिन इसके साथ तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वो ये कि बेसमेंट में तुम्हारा कजन लेदर फेस रहता है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा और उसके बदले में तुम्हें उसकी केयर करनी पड़ेगी। वो दोनों कजन मिल जाते हैं और उस फैमिली के ब्लड लाइंस फिर से मिल जाते हैं और बस इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।